हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं के पिचिंग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक तो पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 9D का पार्ट 3, और पार्ट 2 में हम लोगों ने 10 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। जल्दी से चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिसके सभी पदों का योगफल 60, सर्वांतर 2 और अंतिम पद 18 है। तो यहां पर मान लेंगे, माना सभी पदों की संख्या n वा प्रथम पद ए है। तो देखिए, सभी पदों का योगफल दे रखा है 60, यानी Sn, और सभी पद है कितने, n है, तो Sn बराबर 60, ठीक है। और d का मान सर्वांतर 2 है, यानी d का मान 2 है, और अंतिम पद यानी l, l का मान 18 है। अब यहां से उठाएंगे, क्योंकि Sn बराबर 60, इसलिए n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l बराबर 60। अब n की वैल्यू पता नहीं है, तो n ब्रैकेट में a प्लस 18 बराबर, देखिए बटे में जो 2 था वो इधर गुणे में आ जाएगा, 60 गुणे 2 एन ब्रैकेट में ए प्लस 18 बराबर 120। समीकरण नंबर 1। अब आ जाते हैं एल पर, यहां स्टार्ट करेंगे। चूंकि एल बराबर 18, एल का फॉर्मूला लगा देंगे। एल का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी बराबर 18। देखिए, एल एल मतलब होता है अंतिम पद, और अंतिम पद वही पद होता है जितने पदों की संख्या होती है, यानी L का मतलब होता है अंतिम पद। और अगर श्रेणी में n पद है, यानी nवा पद भी 18 है, तो a प्लस n माइनस 1 गुणे 2 बराबर 18, तो के अंदर गुणा करा देंगे, a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 18, ए प्लस 2n 18 प्लस 2 ए बराबर 18 2 20, और प्लस का 2n, इधर माइनस में 2n आ जाएगा। तो अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है क्या? n ब्रैकेट में a प्लस 18 बराबर 120। इसमें हम क्या रख देंगे? a की जगह पर 20 माइनस 2n रख देंगे। a की जगह पर क्या रख देंगे? 20 माइनस 2n प्लस 18 बराबर 120। n ब्रैकेट में 20 18 38 माइनस 2n बराबर 120। n के अंदर गुणा करा देंगे, माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 38n माइनस का 120 बराबर 0। अब क्या करेंगे? माइनस 2 से भाग, माइनस 2 से भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, एन स्क्वायर माइनस का 19n प्लस का 60 बराबर 0। अब देखिए, 60 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर 19 आ जाए, तो 15 चक्कू 60 होता है, यानी एन स्क्वायर माइनस 15 प्लस 4
प्लस 60 बराबर 0, एन स्क्वायर माइनस 15 एन माइनस 4 एन प्लस 60 बराबर 0। यहाँ क्या करेंगे, एन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, एन माइनस 15 माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस 15 बराबर 0। एन माइनस 15 एन माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। चूंकि एन माइनस 15 बराबर 0 इसलिए एन बराबर 15 और एन माइनस 4 बराबर 0 इसलिए एन बराबर 4। अतः श्रेणी के प्रत्येक चार पदों का योग 60 होगा तथा 15 पदों का योग भी 60 होगा। अब यहां पर आप कहेंगे कि ऐसा कैसा संभव है, चार संख्याओं का योग 60 आ जाए उसके बाद 15 संख्याओं का योग भी 60 ही रहे, तो ऐसा संभव हो सकता है, कैसे हो सकता है? अभी मैं आपको बता देता हूं, इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अभी मैं समझा देता हूं और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी है ऐसे 2 4 6 8 डेस, और आगे चलकर अगर वो बढ़ते क्रम में है तो कभी वो प्लस में ही रहेगी, कभी वो माइनस में नहीं जाएगी, ठीक है ना। ये पॉजिटिव श्रेणी ही रहेगी क्योंकि ये बढ़ती जा रही है। ऐसे ही कुछ श्रेणियां होती हैं जो घटती हुई जाती हैं, जैसे 8 6 4 2 0 -2। तो ये श्रेणियां हमेशा इनका दो योग होता है। कैसे योग होता है देखिए ध्यान से, अगर हम इस पदों का योग करें ना इतने पदों का, तो भी देखिए कितना आ रहा है, 8 6 14 4 18, ठीक है ना। इन तीन पदों का योग कितना है, 18 है। अब देखिए अगर हम इस दो को भी ले लें और इस माइनस दो को भी ले लें तो कितने पदों, 1 2 3 4 5 6, इन 6 पदों का योग देखते कितना आ रहा है, 8 6 14 4 18 2 20 -2 18। अब देखिए इन सभी पदों का योग फिर से 18 आ रहा है। तो ऐसा ही है क्योंकि जितने आगे के जो पद है ना उनका योग कितना है, देखिए ध्यान से, +2 0 -2, +2 -2 0, इन सभी संख्याओं का योग कितना है, 0 है। यानी कि पहले 3 पदों का योग 18 है और आगे आने वाले जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग कितना है, 0 है। तो उन सबको मिला लिया जाए तो योग कितना रहेगा, 18 ही रहेगा। ऐसे ही 4 पदों का योग 60 तो है, लेकिन आगे आने वाले 11 पद कितने बचे, 11 पद, उन पदों का योग कितना होगा, 0 होगा। इसलिए 15 पदों का योग भी 60 है और 4 पदों का योग भी 60 है। इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिद्ध करो किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो सबसे पहले हम यहां मान लेंगे, माना प्रथम पद ए सार्व अंतर डी, माना प्रथम पद ए सार्वांतर डी, अंतिम पद, एल है। प्रथम पद ए सार्वांतर डी, अंतिम पद एल है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के आदि, आदि मतलब शुरुआत से और अंत, अंत मतलब लास्ट से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। तो यहां पर लिख लेंगे श्रेणी का एनवा पद। तो श्रेणी का एनवा पद का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
हो जाएगा ए प्लस एन डी माइनस डी, ये बन गया समीकरण नंबर एक। अब आ जाते हैं श्रेणी के अंत से n-वां पद। श्रेणी के अंत से n-वां पद, इस श्रेणी के प्रारंभ से था, आदि से था, ये अंत से निकाल रहे हैं। तो अंत से n-वें पद का फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस वन इंटू टी। तो l माइनस एन डी प्लस डी समीकरण नंबर दो, और कह रहा है इनका योग, तो अब दोनों को जोड़ देंगे। तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, योग, योग कर रहे हैं, योग कितना आ जाएगा, a प्लस एन डी माइनस डी प्लस l माइनस एन डी प्लस डी, माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, प्लस का एन डी माइनस का एन डी कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, ए प्लस एल। देखिए जब हमने एनवा पद प्रारंभ से और एनवा पद अंत से निकाला और उनको जोड़ा, तो आंसर हमारा कितना आया, ए प्लस एल। अब वो कह रहा है कि जब हमेशा आंसर हमारा ए प्लस एल ही आना चाहिए, चाहे कोई भी पद लें, चाहे प्रारंभ से 10वां पद लें तो अंत से भी 10वां लें। तो अब हम लोग वही करने वाले हैं, दूसरा पद लेते हैं। तो लिखेंगे श्रेणी का आरवां पद, तो आरवां पद मतलब प्रारंभ से आरवां पद, तो क्या फॉर्मूला, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ए प्लस आर डी माइनस डी समीकरण नंबर तीन। श्रेणी के अंत से आरवां पद, तो क्या हो जाएगा, एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी, एल माइनस आर डी प्लस डी समीकरण नंबर चार। समीकरण तीन प्लस चार, तो योग निकल आएगा क्योंकि हमको योग ही निकालना है। तो योग कैसे निकलेगा, ए प्लस आर डी माइनस डी प्लस एल माइनस आर डी प्लस डी। अब देखिए माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, प्लस का आर डी माइनस का आर डी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस एल। तो देखिए पहले जब हमने योग निकाला तब भी हमारे पास ए प्लस आया, ए प्लस एल आया, और जब बाद में योग निकाला तब भी हमारे पास ए प्लस एल ही आया है। अतः हम कह सकते हैं, अतः सिद्ध होता है कि श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यदि किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर है, जहां पी क्यू अचर हो, तो सर्वांतर ज्ञात करो। अब देखिए पहले तो हम यहां पर योग से आपको जितनी बातें हैं वो समझा देते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जब हमको एसएन दिया गया होता है तो उसका मतलब होता है कि एन पदों का योगफल दे रखा है। कोई भी एन हम मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नहीं लगवा रहे, अलग से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, वो समझिएगा। तो अगर आपको एस एन मान लिया, ये दे दिया गया एन स्क्वायर प्लस टू एन, मान लिया ये आपको एस एन दे रखा है, एन पदों का योग दे रखा है, ठीक है। यानी जब एन पदों को हम जोड़ते हैं तो ये हमारा आंसर आता है। और जब हम इस एस एन की सहायता से टी एन निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है। वो क्या फॉर्मूला होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से हम टी एन निकाल लेते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, ये होता कहाँ से है, कैसे होता है, ये समझ लीजिए। जैसे एक हमारे पास श्रेणी है, एक कामा दो कामा तीन कामा चार कामा पाँच कामा छः कामा सात, ठीक, मान लीजिए ऐसे 7 तक श्रेणी है। अब हम क्या करते हैं, हमको तीन पदों का योग मालूम है, तो तीन पदों का योग कितना है, आप देख लीजिए, यहाँ से 6 है, 1 2 3, 3 3 6,
तीन पदों का योग कितना आया? छह आया। ठीक, अगर हमें किसी तरीके से भी तीसरा पद चाहिए, तीसरा पद चाहिए, आपको दिख रहा है तीन है लेकिन हमको चाहिए सूत्र की सहायता से, तो हम क्या करें, इन तीन पदों के योग से दो पदों के योग को घटा देंगे। क्या बोला? इन तीन पदों के योग से दो पदों के योग को घटा देंगे, तुरंत हमको तीसरा पद पता चल जाएगा। यानी अगर हमको T3 पता करना है तो S3 में से हम क्या घटा देंगे? S2 घटा देंगे। ऐसे ही अगर हम T5 पता करना है तो S5 में से हम क्या घटा देंगे? S4 घटा देंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पेपर में आता है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए टोटल कितना था? 6 था। अब हमने क्या किया, तीन पदों से आगे के दो पद घटा दिए, दो पदों का योग घटा दिया, तो दो एक तीन, छह में से तीन घटा दीजिए, छह में से तीन घटा दीजिए, तो कितना आ गया? तीन आया। अब देखिए तीसरा पद क्या तीन है, ये देखिए तीसरा पद तीन है। और ऐसे ही और आगे ले लीजिए श्रेणी, और समझा देते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से समझिए, रटने की जरूरत नहीं है। सात, अब हम क्या करेंगे, इन सभी पदों का योग देख लेते हैं कितना है, फटाफट देख लेते हैं। 6 4 10 5 15, 6 21, 7 28, सभी पदों का योग कितना है? 28 है। यानी सात पदों का योग कितना है? 28 है। अगर हमको किसी तरीके से भी सातवां पद चाहिए तो हम क्या करें, हम आगे के छह पदों को घटा दें, जोड़कर घटा दें, तो 1 1 2 3, 3 3 6 4 10 5 15, 6 21, यानी 28 में से जैसे हम 21 घटाएंगे तुरंत हमको क्या मिल जाएगा? सात। और ये सात कौन सा है? यही सातवां पद है। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, यानी Tn का हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। Tn का फॉर्मूला क्या बना? Sn-Sn-1। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहां से एक बात और आपको समझ आनी चाहिए, क्या एक पदों का योग क्या होता है? S1। S1 जानते क्या होता है? एक पद, जब पद ही एक है तो उसमें योग का कोई मतलब ही नहीं है, तो S1 को हम लोग A1 अर्थात ए भी बोलते हैं, यानी प्रथम पद। S1 को हम लोग प्रथम पद भी बोल देते हैं, क्योंकि एक पदों का योग मतलब एक ही पद है, एक पद को A1 बोलते हैं और उसको ही प्रथम पद ए बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट से हम अब यहाँ से सारे क्वेश्चन आसानी से लगाते चले जाएंगे। तो आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया, Tn बराबर Sn-Sn-1। तो इस कॉन्सेप्ट से अब हम चल देते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, फटाफट देखते हैं कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। यानी हमको अब कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा है, क्या दे रखा है? Sn कितना दे रखा है? Pn+Qn² जहां p q अचर हो, तो सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सार्वंतर, यानी कि हमको डी ज्ञात करना है। तो डी कैसे ज्ञात करेंगे? डी तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हम T2 और T1 ज्ञात कर पाए। क्या ज्ञात कर पाए? T2 और T1। अब T2 T1, आप कहोगे कि T2 T1 क्या है? इसमें कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, T2 और T1 वही होता है जो A2 और A1 होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ए निकाल लेते हैं, A1। अभी मैंने आपको बोला था ए क्या होता है, A1 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? S1 भी बोलेंगे। अब Sn का मान पता है, S1 जहां जहां n है वहां वहां 1 रख दीजिए, P गुणे 1+Q गुणे 1 की घात 2, P गुणे 1Q गुणे P+Q, हमारा आंसर आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? P+Q। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आई होगी। चलिए, ये तो ए का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, A2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? A2। A2 कैसे निकालेंगे? A2 निकालने के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, T2। A2 मतलब T2। A2 का फॉर्मूला क्या होता है? S2-S1। अच्छा, अब आप कहेंगे कि S2 कहाँ से लाए? जहां भैया जहां जहां S1 है ना वहां वहां S2, यानी जहां जहां n है वहां वहां 2 रख दीजिए, किसमें? S में, यानी Sn से हम S2 निकाल पाएंगे। तो Sn कहाँ है? ये है, यहां पर रखिए, फटाफट रखिए, रख देते हैं P गुणे 2+Q गुणे 2 की घात 2। ठीक, माइनस, अब माइनस लगा हुआ इसलिए ब्रैकेट लगा के S1 लिख लीजिए। S1 कहाँ निकाला है? ये निकाला है P+Q, तो क्या हो जाएगा? 2P+4Q,
माइनस पी माइनस क्यू, तो टू पी में से पी घट गया, क्या बचा पी प्लस थ्री क्यू, पी प्लस थ्री क्यू हमारा आंसर आ गया, यानी ये ए टू और ए बना गया। अब हमको चाहिए सार्वांतर, तो सार्वांतर डी का फार्मूला होता है, डी का फार्मूला क्या होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू रख देते हैं, ए टू की वैल्यू कितनी है पी प्लस थ्री क्यू माइनस ए वन, ए वन की वैल्यू कितनी है पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू तो हो जाएगा पी प्लस थ्री क्यू माइनस पी माइनस क्यू, तो प्लस का पी माइनस का पी कट जाएगा, प्लस का थ्री क्यू माइनस का क्यू तो टू क्यू, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा टू क्यू, तो इस प्रश्न का सार्वांतर हमारा कितना होगा टू क्यू। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट छूट जाएगा कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए 13वां क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही अगले क्वेश्चन पढ़ें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका आरवां पद हमको 2r माइनस 1 दे रखा है, यानी हमको क्या प्रश्न में दे रखा है ar दे रखा है, ar बराबर 2r माइनस 1, ar से हम क्या कर सकते हैं a1 यानी a निकाल सकते हैं, a जिसको हम लोग a1 बोलते हैं, और a1 कैसे निकालेंगे 2 गुणे 1 माइनस 1, 2 एक कम 2 माइनस 1 बराबर 1, तो a1 का मान आ गया। अब हम क्या निकालेंगे a2 निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे 2 गुणे 2 माइनस 1, जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ हमने दो रख दिया, दो दूनी चार माइनस एक तो कितना आ जाएगा तीन, तो ए टू पता चल गया और ए वन पता चल गया, ठीक है। और हमको क्या चाहिए एन पदों का योग चाहिए, तो पहले हम डी निकाल लेते हैं, डी डी कैसे निकलता है ए टू माइनस ए वन, ठीक है ना। क्या किया पहले हमने प्रथम पद निकाल लिया, द्वितीय पद निकाल लिया, द्वितीय पद क्यों निकाला है दूसरा पद इसलिए निकाला है ताकि हमको डी पता चल सके, और D कैसे पता चलेगा D का फॉर्मूला A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। अब हमको D पता चल गया है, प्रथम पद पता चल गया है, हमको N पदों का योगफल यानी Sn चाहिए, क्या चाहिए Sn, Sn का फॉर्मूला होता है N बटे 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 गुणे D, तो n बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणे a, a का मान कितना है a का मान वही है जो a1 का मान 1 है, गुणे 1 प्लस n माइनस 1 गुणे d, d का मान कितना निकाला है 2 निकाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n बटे 2 ब्रैकेट में 2 एकम 2 प्लस 2n माइनस 2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, ये सॉरी प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, कितना बचा हमारे पास n बटे 2 गुणे 2 गुणे n, तो 2 से 2 कट गया, n के n से गुणा हो गई तो n स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 14 लगा सकते हैं, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी से चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 13 अगर आपने नहीं देखा है, स्किप कर दिया है, तो पहले उसको देखिए उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट, एक समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल यानी एसएन हमको दे रखा है, एसएन बराबर क्या दे रखा है 3n स्क्वायर माइनस n, पहला पद और सार्वांतर निकालना है, यानी कि हमको a निकालना है और d निकालना है, ये दोनों चीजें निकालनी है, बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम a निकालते हैं, a कैसे निकलेगा, a निकलता है a1 से, और a1 को हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट जब समझाया था कि a1 को ही हम लोग s1 भी बोलते हैं, तो sn का मान मालूम है, s1 का मान निकाल लेंगे कैसे 3 गुणे 1 की घात 2 माइनस 1, तो 3 गुणे 1 माइनस 1, 3 एकम 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हमको पता चल गया a। इस तरीके से हमने प्रथम पद निकाल लिया। अब हमको d निकालना है, d हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको a2 मालूम होगा, तो a2 निकालेंगे। a2 निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है s2 माइनस s1, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में अच्छी तरीके से समझा दिया है, s2 माइनस s1। अब ये s2 कहाँ से निकालेंगे, sn से हम s2 निकाल लेंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग 2 रख देंगे,
गुणे दो की घात दो माइनस दो माइनस। अब एस वन का मान हमने कितना निकाला है, दो निकाला है, वो यहां पर रख देंगे, ठीक है ना। जो निकाल चुके हैं उसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो दो का वर्ग दो चार होता है, चार तिया बारह माइनस दो माइनस दो, तो कितना आ जाएगा, आठ आ जाएगा। तो ए टू का मान आठ आ गया और ए वन का मान दो आ गया। अब हम क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे। डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा ए टू माइनस ए वन से। ए टू का मान कितना है, आठ, ए वन का मान कितना है, दो। आठ में से दो का कितना बचेगा, छः। तो सर्वांतर हमारा कितना होगा, छः होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट हम लोग लगा सकते हैं। चल लेते हैं बी पार्ट पर। एक समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल इतना है, इसका आरवां पद ज्ञात करिए। तो अगर हमको ए और डी पता चल जाता है तो हम आर निकाल लेंगे। तो पिछले क्वेश्चन की तरह पहले हम यहाँ पर ए और डी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको एस एन मालूम है। एस एन का मान कितना है, 3n² + 2n। यहां से हम लोग पहले ए निकालते हैं। ए कैसे निकालेंगे, ए निकालेंगे ए वन से, और ए वन कैसे निकालेंगे, ए वन को ही हम लोग बोलते हैं एस वन। यानी कि एस वन को कैसे निकालेंगे, जहां जहां एन है वहां वहां वन रख देंगे, यानी एस एन की सहायता से एस वन निकालेंगे। कैसे, 3 × 1² + 2 × 1। तो 3 × 1 + 2 × 1, 2 × 2 = 2, 3 × 1 = 3, 2 = 5। अब हम क्या करेंगे, ए टू निकाल लेंगे। ए टू कैसे निकालते हैं, ए टू निकालते हैं एस टू माइनस एस वन से। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए एस टू का मान कितना है, एस टू का मान है 3 × 2² + 2 ×2। जहां जहां एन था वहां वहां हमने पुट कर दिया दो। एस एन की सहायता से एस टू निकाल लिया हमने माइनस एस वन। अब एस वन का मान हम लोग ये निकाल चुके हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो देखिए 2 × 4 = 12 + 2 × 4 − 5, तो कितना हो जाएगा, 12 − 1 = 11। अब हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकलेगा, ए टू माइनस ए वन से। ए टू की वैल्यू कितनी है, 11, माइनस ए वन का मान कितना है, 5। 11 में से 5 गए 6, तो ये डी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, आरवा पद ज्ञात करो। आरवा पद यानी ए आर ज्ञात करना। ए आर का फॉर्मूला होता है ए प्लस आर माइनस 1 × d। ए का मान कितना है, ए का मान है 5, ये रहा। ए का मान कितना है, 5 प्लस आर माइनस 1 × d। डी का मान कितना है, 6। 5 + 6r − 6, तो क्या हो जाएगा, 6r − 1। 6r तो ऐसे लिखा रहेगा, प्लस का 5 माइनस का 6 माइनस का 1। इस तरीके से हम आरवा पद निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, यदि किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल यानी एस एन हमको दे रखा है। एस एन का मान क्या दे रखा है, एस एन बराबर 3n² + 5n, ये हमको एस एन दे रखा है। इसका एमवा पद यानी एम एम हमको 164 दे रखा है। तो एम का मान पूछ रहा है, माना प्रथम पद ए सार्वांतर डी है। तो लिखेंगे, चूंकि एस एन बराबर 3n² + 5n, इसलिए हम क्या करेंगे, एम का मान रखा है, पहले हम ए और डी निकालेंगे और फिर हम एम से तुलना कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो पहले हम ए निकालेंगे। ए कैसे निकलेगा, ए निकलेगा ए वन से, और ए वन कैसे निकलेगा, ए वन निकलेगा एस वन से। अभी हम लोग कर चुके हैं। तो एस वन का मान कैसे निकालेंगे, 3 × जहां जहां एन है वहां वहां हम 1 पुट कर देंगे, प्लस 5 × 1।
एक का वर्ग एक, तीन एकम तीन, प्लस पांच एकम पांच, पांच तीन आठ। अब हम क्या करेंगे, ए टू निकाल लेंगे। ए टू कैसे निकालेंगे, ए टू निकालेंगे एस टू माइनस एस वन से। अब एस टू का मान कैसे लाएंगे, जहां जहां एन है वहां वहां हम लोग क्या पुट कर देंगे, दो पुट कर देंगे। तो देखिए तीन गुणे दो की घात दो प्लस पांच गुणे दो, ये तो एस टू का मान हो गया। माइनस एस वन का मान अभी हम लोगों ने निकाला है वो है आठ। ठीक है, अब हम लोग यहां पर इसको हल कर लेते हैं। दो दूनी चार तिया बारह, प्लस पांच दूनी दस माइनस आठ। तो दस में से आठ जाएंगे, दो बचेगा, बारह दो चौदह हो जाएगा। तो ये हमारा ए टू का मान आ गया। ए टू और ए वन हमको पता चल गया है, जिसकी सहायता से हम डी निकाल लेंगे। डी बराबर क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। ए टू का मान 14 है और ए वन का मान हमारा 8 है, बचा कितना 6। ठीक है, 14 में से 8 घटा लेंगे तो 6, यानी हम हमको पता चल गया डी का मान 6 है और ए का मान 8 है। अब हम लिखेंगे क्योंकि एम बराबर 164, तो एम का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एम माइनस एक गुणे डी बराबर 164। ए का मान कितना है, ए का मान है 8 प्लस एम माइनस एक गुणे डी, डी का मान कितना है 6 बराबर 164। 8 प्लस 6 एम माइनस 6 बराबर 164, 6m प्लस 2 बराबर 164। समझ गए ना, 6m और 8 में से 6 गए, 2 बचा, तो 6m प्लस 2 बराबर 164, 6m प्लस 2 बराबर 164। ये था, 2 इधर भेज देंगे तो 6m बराबर 162, 64 में से 2 घटा लेंगे, m बराबर 162 बटे 6, 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 42, 6 सत्ते 42, तो m का मान कितना आ गया, 27 आ गया। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग यानी Sn दे रखा है, तो उस श्रेणी के प्रथम पांच पदों को ज्ञात करो। काफी आसान क्वेश्चन है, हमको एस एन दे रखा है, तो एस एन का मान क्या दे रखा है, 2n² प्लस 7n। हमको प्रथम पांच पद ज्ञात करने हैं, यानी ए वन ज्ञात करना है। तो ए वन का फॉर्मूला वही होता है जो एस वन का, यानी ए वन बराबर एस वन होगा, और एस वन की वैल्यू 2 × 1² प्लस 7 × 1, तो 2 × 1 = 2 और 7 × 7 = 2 = 9। अब निकाल लेते हैं ए टू। ए टू कैसे निकलेगा, एस टू माइनस एस वन से। एस टू कैसे, 2 × 2 की घात 2 प्लस 7 × 2 माइनस एस वन का मान है 9, 2 × 4 × 8 प्लस 7 × 14 माइनस 9। ठीक है, अब देखिए 14 और 8 ये हो गया आपका 22 में से 13, 22 में से 9 घट गए तो 13 बच गया, 22 में से 9 गए 13 बच गया, ये ए टू आ गया। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे ए थ्री। ए थ्री कैसे निकालेंगे, एस थ्री माइनस एस टू। तो देखिए S3 का मान कितना है, ध्यान से देखिए, S3 का मान हम यहीं से निकालेंगे, जहां जहां n है वहां वहां हम 3 रख देंगे। तो 2 × 3 की घात 2 प्लस 7 × 3 माइनस ब्रैकेट में S2 का मान यहां रख दीजिए, और चाहे यहां से उठा के आप रख सकते हैं S2 का मान, लेकिन बहुत ध्यान से रखिएगा ये S2 का मान है 14, 8, 22, ये 22 डायरेक्ट आप यहां पर रख सकते हैं या आप उसको निकाल भी सकते हैं। तो 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 18 प्लस 7 × 3 = 21 माइनस 22, तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A4 निकालेंगे। तो
तो देखिए हम इसी फार्मूले जिस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं उसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए आगे चलेंगे, वरना इसका और भी अदर तरीके हैं उससे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उसी कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। तो ए फोर कैसे निकालेंगे, एस फोर माइनस एस थ्री। अब देखिए ये काम आपका है, ठीक है। ऐसे ही ए फाइव भी हम निकाल लेंगे, वो कैसे निकालेंगे, एस फाइव माइनस एस फोर। तो ये भी आप निकाल ले जाएंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, और ये जो तो पॉइंट हमने आपको ए फोर और ए फाइव निकालने को बोले हैं वो आप निकाल के कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है, श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करो। देखिए 15वां पद हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमको a और d पता होगा। तो हमको Sn मालूम है, Sn बराबर 1/2 ब्रैकेट में n n प्लस 1। अब हम यहां से क्या करेंगे, S1 निकाल लेते हैं। देखिए थोड़ा एक तरीका और है, पहले ही हम सारे वैल्यू निकाल लें ताकि हमको आसानी से पता चल जाए। तो S1 निकाल लेते हैं। S1 का मान क्या होगा, 1/2 गुणे 1 गुणे 1 प्लस 1, 1/2 गुणे 1 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, 1 एकम 1। तो S1 का मान एक आ गया। S2 का मान निकाल लेंगे। S2 का मान कैसे, 1/2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस 1, 1/2 गुणे 2 गुणे 2 1 3, ठीक है ना। जहां जहां n था वहां वहां क्या रख दिया, 2 रख दिया। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, 3 एकम 3, तो यहां पर आ जाएगा 3। ये गुणा है, गुणा है, ठीक है। तो 3 एकम 3। अब हमने S1 निकाल लिया और S2 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, A का मान पता कर लेंगे। तो A बराबर होता है A1, और A1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, S1। तो S1 का मान है कितना, S1 का मान है 1। तो A का मान 1 पता चल गया। अब हम लोग D निकालते हैं। D निकालने के लिए फॉर्मूला है A2 माइनस A1, ठीक है। अब D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, और A2 का फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है, S2 माइनस S1, ठीक है। A2 का क्या फॉर्मूला है, S2 माइनस S1। और A1 का क्या फार्मूला है, A1 का फार्मूला है S1। A1 का फार्मूला ऊपर लगा दिया। अब कुछ नहीं करना, मैं सारी वैल्यू पुट कर देने। S2 का मान कितना, 3 माइनस S1 का मान कितना, 1 माइनस S1 का मान कितना, 1। 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1। तो D का मान भी 1 आ गया। A का मान भी 1 और D का मान भी 1। 15वां पद यानी A15 निकालना है, तो A15 का फार्मूला लगा देते हैं। A15 का फार्मूला क्या होता है, A+15 माइनस 1 गुणे डी। तो ए का मान कितना है, 1 है, प्लस 15 में से 1 गया 14 गुणे 1, 1 प्लस 14 एकम 14, 14 एक 15। तो 15वां पद कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 15। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching.